इतिहास। यह तीर्थयात्री केंद्र कुवारी देवी कन्याकुमारी से अपना नाम प्राप्त करता है, जिसे मंदिर समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थी। राजा भरत ने अपना राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपने संतानों में बांट दिया। तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन किया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और उसके लिए वो बहुत पूजा तब भी करती, और एक बार भगवान शिव प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गईं। लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राक्षस बानासुर का वध कुमारी के हाथों हो, इस वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। कुछ समय बाद बानासुर को कुमारी के सुंदरता के बारे में पता चला और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंच गए। लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देंगे तो वो बानासुर के साथ विवाह करेंगी। पर उस युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बानासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम से दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। तीर्थ यात्रा और पर्यटन। यह क्षेत्र बहुत सुंदर है। कन्याकुमारी तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए उल्लेखनीय है। कन्याकुमारी मंदिर एक शक्तिपीठ है जो माता देवी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। पूरे भारत के लोग जो अपने जीवन को सन्यासी के रूप में समर्पित करते हैं यहाँ आते हैं और दीक्षा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इस गुरु के रूप में अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा निर्देशित थे, जो एक सन्यासी थे। मंदिर बहुत पुराना है और प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। आए दिन यहाँ पर्यटन के प्रचार में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही आसपास के जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर जोर देने के लिए जोर दिया जाता है। आज तक बहुत से पर्यटकों ने कन्याकुमारी का दौरा किया। कन्याकुमारी के पर्यटन स्थान। कन्याकुमारी मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में 108 शक्ति पीठों में से एक है। यह मंदिर भारत भर के प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है और लगभग सभी प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। मंदिर में हर साल हजारों तीर्थ यात्रियों ने यात्रा की है और मंदिर की वास्तुकला भी अद्वितीय है। पद्मनाभपुरम पैलेस। प्राचीन ग्रेनाइट किला त्रावणकोर शासकों का निवास था और इसका निर्माण 1601 ईस्वी के आसपास हुआ था। किले परिसर में किंग की काउंसिल चैम्बर, थाई कोटाराम या माता के महल और नाटकिका या प्रदर्शन के घर जैसे कई महत्वपूर्ण इमारतों को शामिल किया गया है। किले के पास एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जिसमें पुराने समय से कई कलाकृतियों और तलवारें और खंजर, चित्रकारी, चीनी जार और लकड़ी के फर्नीचर के बहुत सारे हथियार शामिल हैं। विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। कन्याकुमारी में प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल तट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है और कन्याकुमारी में प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। छोटे रॉक द्वीप को नौका द्वारा पहुंचा जा सकता है और इसमें 2 मुख्य संरचनाएं शामिल हैं। स्वामी विवेकानंद मंडपम और श्रीपद मंडपम स्मारक के 2 मुख्य परिसर हैं और लाखों पर्यटकों द्वारा यहां अक्सर दौरा किया जाता है। सुचिंद्रम। सुचिंद्रम एक मंदिर शहर। सुचिंद्रम कन्याकुमारी शहर के 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के मंदिर विशिष्ट द्रविड़ शैली में बने हैं और बड़े पैमानों पर गोपुरों के साथ सजे हुए हैं, जो सभी द्रविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है। उच्चतम गोपुरम 134 फीट ऊंचा है। एक प्राचीन मंदिर शहर होने के नाते यहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों द्वारा अक्सर आया जाता है। गांधी स्मारक। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहीं पर महात्मा गांधी की चिता की अस्थियां रखी हुई हैं। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1937 में यहां आए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात 1948 में कन्याकुमारी में ही उनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी। स्मारक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर सूर्य की प्रथम किरणें उस स्थान पर पड़ती हैं जहां महात्मा की राख रखी हुई है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा।
विशाल 133 फीट की विशाल प्रतिमा सेंट काव्य तिरुवल्लुवर का है, जिसे भारत में सबसे बड़े तमिल कवियों में से एक माना जाता है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा एशिया में सबसे बड़ी है और 1 जनवरी 2000 को इसका अनावरण किया गया था। मूर्ति का मस्तूल कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया है और इसे 10 हाथियों से सजाया गया है जो विभिन्न दिशाओं को दर्शाता है। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहाँ आए बिना आपकी भारत यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। हर किसी को जीवन में एक बार कन्याकुमारी आकर इस सुंदर स्थान को जरूर देखना चाहिए।